हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीता चौहान, आप सबको मेरी नमस्ते। आज हम बनाएंगे मलाई से घी कैसे बनता है और आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये मैंने 10 दिन की मलाई इकट्ठी हुई है इस जग में। इस मलाई को मैं इस कढ़ाई में निकालूंगी और फिर बनाते हैं। ये देखिए, हमने कढ़ाई में मलाई निकाल ली है और अब हम इस मलाई को फेंटेंगे। थोड़ा सा नॉर्मल पानी लेंगे, रूम टेम्परेचर वाला, और अब इसको हम घुमाएंगे और फेंटेंगे। ये मैंने अमूल फुल क्रीम का दूध लेती हूँ मैं, इस पर बहुत मोटी मलाई आती है। इसको हम ऐसे चलाते रहेंगे और ये थोड़ी देर में जो है घी निकल जाएगा इसमें से। अभी देखिए बहुत गाढ़ा हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और फिर इसको घुमाएंगे। ये देखिए, अब ये घी निकलने वाला है। अभी हम 10 मिनट और चलाएंगे तब ये इसमें पानी अलग हो जाएगा, घी अलग हो जाएगा। इसका मतलब घी बिल्कुल बन गया है। अभी हम 10 मिनट और चलाते हैं। ये देखिए, घी बन गया है। अब ये ऊपर ऊपर देखो, ये पानी हो गया है और इधर ये घी निकल गया है। इसको हम अब कढ़ाई में डालेंगे और गर्म करके पकाएंगे तो देसी घी बन जाएगा। और एक बात और बताना चाहती हूँ मैं फ्रेंड्स, कि ये जो लोग बोलते हैं कि 5 मिनट में घी, मलाई से 5 मिनट में घी बनाओ, तो ये सब बकवास है। कम से कम मलाई से घी बनाने में 20 से 25 मिनट तक लगते हैं। 5 मिनट में कोई घी नहीं निकलता मलाई से, ये सब झूठ बोलते हैं। और अगर आप मिक्सी से बनाएंगे तो मिक्सी से बनाने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, और हाथ से अगर आप फेंट के बनाओगे घी तो 25 से 30 मिनट लगेंगे। अब हम इसको इस कढ़ाई में पलटेंगे इस घी को, और उसके बाद हम गैस जलाएंगे और घी को पकाएंगे। ये देखिए, इतना घी निकल गया है हमारा। अब हम गैस जलाएंगे और इस घी को पकाएंगे। और अगर आप सर्दी में घी निकालते हैं तो रूम टेम्परेचर का पानी यूज़ करें, और अगर आप गर्मी में निकालते हैं मलाई से घी तो आप जो आइस क्यूब का उपयोग करें। अब हम इसको पकाएंगे। ये देखिए, घी बनने लगा है। अभी इसको और पकाएंगे हम। ये देखिए, घी बन गया है। अब हम इसको छान के डब्बे में भरेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा घी तैयार हो गया है। और ये 1 किलो का जार है, तो हमारा मलाई से 1 किलो घी निकल गया है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, बाय। मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ।